आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे एक बार पढ़ेंगे। सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। अगर दो किसी भी दो नंबर का सम कितना है 95 है। इफ वन एक्सीड द अदर्स बाय 15। एक नंबर दूसरे नंबर से कितना ज्यादा है 15 ज्यादा है, 15 ज्यादा है, तो देयर फाइंड द नंबर्स। तो उनका हमें नंबर्स तो नंबर बताने हमें दोनों नंबर कितने हैं। अगर मैं मान लूं कि एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर हो जाएगा हमारे पास x plus 15। ठीक है, कि इससे 15 ज्यादा है बोला। अगर एक नंबर जो भी है, अगर मैंने मान लिया b 20 है तो दूसरा नंबर कितना 15 ज्यादा हो जाएगा, 20 plus 15, तो ये हो जाएगा 20 plus 15। अगर मैंने 15 माना, अगर मैंने 20 माना तो ये दूसरा नंबर को 20 प्लस 15 मान लेगा। अब मैं बोल नहीं सकता कि 20 है क्योंकि हमें नंबर नहीं पता, तो हम लोग क्या मानते हैं, अज्यूम करते हैं, कोई भी वेरिएबल लेते हैं, तो वेरिएबल हमने ले लिया x। ठीक है, तो लेट द नंबर बी x। तो हमारे पास नंबर क्या है, x है, तो अगर एक x है तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 15, क्योंकि दूसरा नंबर 15 ज्यादा है। उसके बाद बोल रहा है फाइंड द नंबर्स, और उससे कहने को स्टेटमेंट दिया है सम ऑफ टू नंबर इज 95। दो नंबर का सम कितना है बताया हमें 95। तो एक नंबर x हो गया, दूसरा नंबर x प्लस 15 हो गया, इन दोनों का सम करना है। एक नंबर x हो गया, दूसरा नंबर x प्लस 15 हो गया, इन दोनों का मैंने क्या किया सम किया, और कितना आना चाहिए वो 95 है, राइट। तो इसके बाद हमने आगे लिखेंगे हम इसको, तो x प्लस ये आगे को लेके ब्रैकेट में ओपन करेंगे, x प्लस 2x, अभी ये पूरा कहां से जाएगा, इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा 95 माइनस 15, x 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 8, कितना आ गया 80, x इक्वल टू आ गया 80 अपॉन 2। ये सबको पता है कि अगर प्लस में होता है तो यहां लगे माइनस होता है, इनटू में होता है, 2x को क्या लिख सकता था 2 इनटू x लिख सकता ना, तो ये इनटू में जो होता है वो कहां जाता है डिवाइड हो जाता है, तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, अगर एक नंबर 40 है तो दूसरा नंबर हो जाएगा 40 प्लस 15, तो कितना हो जाएगा ये 55। तो हमें क्या मिल गया, एक नंबर हमें मिल गया 40, दूसरा नंबर मिल गया 55। तो याद लेंगे द नंबर्स आर 40 एंड 55। अगर इन दोनों का सम करोगे कितना आएगा 95, क्योंकि हमें पता है कि इन दोनों का सम कितना आ रहा है 95 आ रहा है, राइट। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वही फुल क्वेश्चन पढ़ेंगे। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3। टू नंबर्स, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिशन लेवल का है। टू नंबर्स इन द रेशियो, कॉम्पिटिशन में सेम क्वेश्चन आते हैं 5:3। 5:3 में के रेशियो पे अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, इफ दे डिफर बाय 18, अगर उन दोनों का डिफरेंस कितना है बोला है, डिफर मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ नंबर्स इस पर कितना है 18, अगर उनका डिफरेंस कितना है हमारे पास 18 है। रेशियो बताया 5:3, ये नंबर्स नहीं है कि एक नंबर 5 है और एक नंबर 3 है, ये रेशियो है। रेशियो का मतलब होता है कि अगर जैसे मान लो मैंने 50 लिखा एक नंबर, एक नंबर लिखा मैंने 45, तो इन दोनों को मैं क्या करूंगा अपॉन लिख दूंगा 14 अपॉन 15 अपॉन 45। अगर मैं इन दोनों को कट करूंगा, कट करने के बाद जो आएगा उसको हम लोग रेशियो पे बोलते हैं। जैसे ये आया, ये आ गया हमारा 3, क्योंकि कितने कट गया हमने 5 से कट गया, 5 से कट गया 3 टाइम, 5 से कट गया 9 टाइम, तो कितना हो गया 3:9। अभी और कट हो रहा है तो कितना होगा 3 से 1 टाइम 3 से 3 टाइम, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा 1:3। अगर मैं ये लूं रेशियो 1:3 या मैं लूं 3:9,
एक ही बात है, ठीक है। अब इसमें क्या करूंगा मैं, अगर किसी भी नंबर से इंटू करूं, सेम नंबर से दोनों जगह इंटू करूं, तो उनका रेशियो हमेशा इक्वल ही रहेगा, हमेशा इक्वल। अगर देखो मैंने इसको 2 से इंटू कर दिया, इसको भी मैंने 2 से इंटू कर दिया, ये कितना बन गया 6 और ये कितना बन गया 18, ठीक है। अगर मैं अब इन दोनों को सॉल्व करूं आगे 6 / 18 तो कितना बन जाएगा ये 1/3, देखो 1/3 पहले भी था, 1/3 बाद में था, तो रेशियो का मतलब होता है सेम नंबर से उसको मल्टीप्लाई करें दोनों को, तो क्या रहेगा सेम ही आता है आंसर, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन था एक दो रेशियो में बता रखा है, 5:3 पे हमारे पास क्वेश्चन है, और द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस ऑफ नंबर्स है 18, ये जो नंबर्स का डिफरेंस कितना है 18 है। तो हमारे अगर मैं मानूं लेट द नंबर बी इज 5x, कितना है नंबर 5x दिया मैंने, ठीक है, इसके साथ मैंने x का स्क्वायर, तो और दूसरा नंबर कितना ले लिया 3x ले लिया, इन दोनों का डिफरेंस, अब एक नंबर कितना हो गया 5x हो गया, दूसरा नंबर 3x हो गया, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 18 है, 5x - 3x इक्वल टू कितना है 18 है, 5 से 2 को आज सेम है, यहां पे वो लाइक टर्म्स है क्योंकि यहां भी x है यहां भी x है, दोनों माइनस हो जाएंगे, 2x इक्वल टू 18, सो x इक्वल टू 18 / 2 x इक्वल टू 9। अब ये हमारा नंबर नहीं आया, ये हमारे पास x आया जो हमने आपको कंसीडर किया था, तो 5x, तो अगर हम लोग नंबर निकालेंगे तो 5x इक्वल टू हो जाएगा 5 * x की वैल्यू कितनी है 9, तो ये कितना हो जाएगा 45, सेम 3x वाले में कितनी वैल्यू 3 * 9 इक्वल टू 18। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो कितना आना चाहिए 9 * 3 27 227। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस करोगे कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए, अगर इनका डिफरेंस करेंगे हम लोग कितना आ रहा है 18 ही आ रहा है, ठीक है। तो हमारा एक नंबर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा 27, राइट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन, थैंक यू।